हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये 11th क्लास का ही एक टॉपिक है सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से, और आईआईटी जेई के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और रेडॉक्स रिएक्शंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक्स के लिए भी है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। कैसे वो रियलाइज करेंगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, चलिए बात करते हैं। हेडिंग लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। अब इस चैप्टर के एक्चुअली दो पार्ट हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे, और दूसरा पार्ट है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जहां पर स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं, टाइट्रेशंस पढ़ते हैं। तो टाइट्रेशंस हम पढ़ेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशंस मेनली इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो रेडॉक्स रिएक्शन, तो पहला पार्ट चैप्टर का होगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मेनली वी हैव टू लर्न द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, बट उससे पहले हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखेंगे हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कैसे करें, इट इज अ हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज ऑन एन एटम इन गिवन स्पीशीज व्हेन ऑल द बॉन्ड्स एसोसिएटेड with this atom are considered ionic. Oxidation number of an atom is always an integer और जीरो, बट नेवर फ्रैक्शनल। हाउएवर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव। ये जो डेफिनेशन है, इसमें हमने कहा है कि ये एक हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज है किसी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल में या स्पीशीज में, दैट इट वुड कैरी इफ ऑल द बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद दैट एटम आर कंसिडर्ड टू बी आयनिक। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे गाइडलाइंस टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। Guidelines to determine oxidation number. ये बहुत सिंपल गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स नहीं हैं, दीज आर नॉट रूल्स, दीज आर गाइडलाइंस। और इनकी मदद से जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, कई बार वो गलत भी हो सकता है। तो बात आती है कि गलत चीज कैसे सीख रहे हैं फिर हम, नहीं यहाँ से हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे फॉर द वेरियस एलिमेंट्स, देन वी विल फाइंड के वो मोस्टली सही हैं, बट कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो अगर गलत होंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कब गलत है, और गलत है तो सही क्या है, वी विल लर्न। तो क्या गाइडलाइंस है फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट वाइज,
जैसे वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज जीरो. जैसे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे O2, N2 एंड एटसॉल, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन O2 जीरो, इन O3 जीरो, P इन P4 जीरो, S इन S8 जीरो, C इन C60 बकमिंस्टर फुलरीन जीरो. तो पहली गाइडलाइन ये है कि किसी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ कोर्स दैट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू जीरो. सेकंड गाइडलाइन, सेकंड गाइडलाइन ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल चार्ज ऑन द स्पीशीज. जैसे एग्जाम्पल लें CO2, तो क्या बोलेंगे यहां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन है एटम्स, तो टू इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O वुड बी इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो, क्यों, CO2 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और CO2 पर नेट चार्ज कितना है, जीरो. अच्छा और एक एग्जाम्पल आयन का लें तो क्या बोलोगे, जैसे सल्फेट आयन है SO4 टू माइनस, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस फोर इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू माइनस टू, बिकॉज सल्फेट आयन कैरीज माइनस टू चार्ज. थर्ड पॉइंट, अब जैसे एल्कली मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हैं, तो एल्कली मेटल्स किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या शो करेंगे, प्लस वन. एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, स्कैंडियम प्लस थ्री, जिंक कैडमियम प्लस टू. तो हम यूं लिख सकते हैं कि फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑलवेज शो a constant oxidation number, a fixed oxidation number. Alkali metals, the following elements always show a constant oxidation number in compounds. So alkali metals hamesha plus one. Alkaline earth metals हमेशा प्लस टू, एल्यूमिनियम स्कैंडियम हमेशा प्लस थ्री, जिंक कैडमियम हमेशा प्लस टू, फ्लोरीन हमेशा माइनस वन. क्यों, इट इज मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन विल ऑलवेज शो द माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स. एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम हमेशा प्लस वन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा प्लस टू, लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. फोर्थ, अब देखिए ज्यादातर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली प्लस वन होता है, बट कुछ केसेस में ये माइनस वन भी हो सकता है. तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच इन कंपाउंड्स इज यूजुअली प्लस वन एक्सेप्ट इन आयनिक हाइड्राइड्स. इन
आयनिक हाइड्राइड्स वेयर इट इज माइनस वन. जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे अमोनिया H2SO4, HNO3, H3PO4, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, H2S एटसेट्रा. इन सभी केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या लेना है? प्लस वन. बट आयनिक हाइड्राइड्स जहां पर वो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से कनेक्टेड हो, जैसे NaH, LiAlH4, CaH2 एटसेट्रा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केसेस में क्या लेना है? माइनस वन. अच्छा, वो वैसे भी मालूम है. जैसे ये लो आप एग्जांपल NaH. अभी अभी तो आपने थर्ड पॉइंट में ये पढ़ा है कि सोडियम हमेशा क्या शो करेगा? प्लस वन. और आपने एक पॉइंट अभी ये भी पढ़ा था कि समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन स्पीशीज इज इक्वल टू द एक्चुअल चार्ज ऑन इट. अच्छा, उसके चलते देखें तो सोडियम इज प्लस वन, मान लो हाइड्रोजन को एक्स मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर, और समेशन कितना हुआ? जीरो. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वन. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH इज माइनस वन. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर एक बार देख लेंगे. फोर्थ था ये. फिफ्थ, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड्स इज यूजुअली माइनस टू एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस. तो जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होते हैं, और जब माइनस टू होते हैं तो उनको क्या बोलते हो? ऑक्साइड्स बोलते हैं उनको हम. ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू. बट कुछ केसेस हैं जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू से अलग भी हो सकता है. जैसे कौन? परऑक्साइड्स. जैसे एग्जाम्पल H2O2, Na2O2, बेरियम परऑक्साइड. ऐसे में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज माइनस वन. और एग्जाम्पल सुपरऑक्साइड्स, जैसे पोटेशियम सुपरऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज माइनस हाफ. जैसे ओजोनाइट्स, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम ओजोनाइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O विल बी वॉट? माइनस वन बाई थ्री. फॉर एग्जाम्पल O2F2, चूंकि फ्लोरीन हमेशा माइनस वन है तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा यहां? प्लस वन. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O प्लस वन. OF2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O विल बी प्लस टू. सो लाइक दैट यू डिसाइड, यू से दीज आर द एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. यूजुअली बल्कि डेफिनेशन ही ऐसी आएगी, जहां ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स, जहां ऑक्सीजन माइनस वन में है दे आर कॉल्ड परऑक्साइड्स, जहां ऑक्सीजन माइनस हाफ में है दे आर कॉल्ड सुपर ऑक्साइड्स. सो लाइक दैट वी डिफाइन द ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स. तो दीज वर द गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर. इनकी मदद से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो. बट जैसा कि मैंने शुरू में अभी कहा भी था कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ जाता है. तो फिर सही कैसे करें? पहले तो पता चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर गलत है वो, और फिर जब गलत है तो फिर सही कैसे फाइंड आउट करें? तो उस बात के लिए हम लिखेंगे एक नोट. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी 8.
प्लस 8, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा संभव नहीं है। दूसरी गाइडलाइन, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए देर इज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट रेंज वी कैन रिमेंबर। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रेंज है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर माइनस 10, एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो पॉसिबल है दैट इज ग्रुप नंबर माइनस 18 फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल लो, हेलोजन फैमिली, हेलोजन्स आप जानते हो ग्रुप नंबर कितना है, 17, आईयूपीएसी ग्रुप नंबर एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप नंबर 17 है। तो बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ हेलोजन्स का, प्लस 7, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, माइनस 1। सिमिलरली कैल्कोजन्स, मतलब ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं ये, तो फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से क्या हो गया, ग्रुप नंबर माइनस 10, इट इज प्लस 6, एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी माइनस 2। सिमिलरली निकोजेंस, ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को बोलते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 3। अच्छा, हेलोजन्स के बाद नोबल गैसेस भी लो। अब यही बात आती है कि सर नोबल गैसेस तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, नहीं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन नहीं बनाते, बट क्रिप्टॉन, जिनॉन आसानी से कंपाउंड बनाते हैं। तो नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दे आर फाउंड टू बी प्लस 8, एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। अच्छा, इसके एग्जांपल हैं, जैसे XCO4, XCO3, जैसे बहुत कॉमनली फाउंड ऑक्साइड्स होते हैं जिनॉन के, यहां ये प्लस 8 में है और यहां ये प्लस 6 में है। अच्छा, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स को, कई बार स्टूडेंट्स ये याद कर लेते हैं कि भाई हर एलिमेंट हेलोजन का प्लस 7 शो करेगा ही, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो केवल कंपाउंड से माइनस 1 शो करता है और F2 में 0 शो करता है, 0 से ज़्यादा कभी होता ही नहीं उसका, फ्लोरीन नेवर शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, लेकिन क्लोरीन के लिए अगर आप बात करें, वो भी हेलोजन का है, क्लोरीन कैन शो माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5 एंड प्लस 7, तो इट कैन शो द मैक्सिमम प्लस 7। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप नीड नॉट शो ऑल द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे यही लो, कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर तो शो करता है कंपाउंड्स में प्लस 6, बट ऑक्सीजन कभी शो नहीं करता प्लस 6, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान भी रखेंगे। तो ये थे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रेंज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज वेरी यूजफुल। अब जैसे कार्बन है, कार्बन आप जानते हो रेंज क्या होगी, 14 ग्रुप का है, तो प्लस 4 से लेके माइनस 4, तो आप ध्यान भी दो, CO2 में ये प्लस 4 है और CH4 में ये माइनस 4 है, तो अकॉर्डिंगली इट कैन शो द रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 4 टू प्लस 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अच्छा, ये तो था रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे डी ब्लॉक के लिए भी कह सकते हैं। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स
जैसे 3D सीरीज लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको पता है इनके ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ग्रुप नंबर हैं। और ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन फाइंड आउट। यहां मिनिमम का कोई पॉइंट नहीं होता क्योंकि मेटल्स हैं ये सब, एंड जनरली मेटल्स डू नॉट शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज मेटल्स आर नोन फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो दे शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली। तो इसलिए हम मिनिमम की बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्कैंडियम का क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला, पहले मुझे फॉर्मूला बताना चाहिए था, चलो कोई नहीं, यहां लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर प्रोवाइडेड इट शुड नॉट क्रॉस 8। ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा संभव नहीं है। तो यहां कितना हुआ? +3। टाइटेनियम +4, +5, +6, +7, +8, बस यहीं तक, यहां एप्लीकेबल नहीं है। दिस फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कोबाल्ट का ग्रुप नंबर, कोबाल्ट फैमिली का या ग्रुप का जो ग्रुप नंबर है वो 9 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 9 नहीं हो सकता। तो यहां ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर्मूला कहां तक एप्लीकेबल है? ओनली अप टू आयरन फैमिली। अच्छा, आयरन भी शो नहीं करता +8 में। आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फेरेट आयन में +6 है, इट नेवर शोज +8 ऑक्सीडेशन नंबर। बट आयरन के नीचे ऑस्मियम है, तो आयरन के नीचे ऑस्मियम कैन शो द +8 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जाम्पल, फेरेट में जैसे मैंने कहा था Fe(O)4 2-, तो आयरन यहां पर +6 में है। सिमिलरली OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम +8 में है क्योंकि ग्रुप नंबर ऑफ ऑस्मियम इज 8, आयरन की फैमिली में ही है ये ऑस्मियम, तो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ देर आर टू पॉइंट्स वी हैव लर्नड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? पहला, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी हालत में +8 से ज्यादा संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, देर इज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा और देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर की क्या रेंज होती है, और डी ब्लॉक में भी ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर प्रोवाइडेड इट शुड नॉट क्रॉस 8। तो हमने इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए। इनके ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखे जाएंगे। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो इन गाइडलाइंस को, ये जो नोट 1 एंड नोट 2 था, इनको फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग द गाइडलाइन इज रॉन्ग। तो फिर सही ऑक्सीडेशन नंबर हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? सही ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिटरमिंड फ्रॉम लुईस डॉट स्ट्रक्चर दैट वी लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वन। दैट्स इट।